हाय फ्रेंड्स, आई एम शान और आज मेरा 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन का डे 15 है। आधा सफ़र पूरा कर लिया है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो मैं कंटिन्यूसली लेता हूँ, चाहे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ या मैं ना कर रहा हूँ। और मैं आप सबको भी रेकमेंड करूँगा, वो है फिश ऑयल। ये है सी कॉड का फिश ऑयल। तो बेसिकली इसके फ़ायदे क्या है, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फ़ायदा है जो वो है कि इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो ये हार्ट की हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वर्कआउट करते हैं हम अक्सर हमारे मसल्स पे तो ध्यान देते हैं पर उन मसल्स तक जो ब्लड पहुंचा रहा है उसी मशीन को अब इग्नोर करते हैं। तो इसके लिए फिश ऑयल जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। इसका सेकेंड फ़ायदा है कि ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन हेल्दी रहती है। और क्योंकि ये स्किन मॉइस्चराइज करता है इसलिए आपके स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करता है, जिससे आपके हेयर भी हेल्दी रहते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपके बोन को हेल्दी रखता है। तो बोन के लिए आपको दो चीज़ चाहिए होती है, जो है कैल्शियम और ओमेगा 3, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ओमेगा 3 होता है, तो ये आपके बोन्स को भी हेल्दी रखता है। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आप दिन में 1-3 ग्राम ओमेगा 3 कंज्यूम करें। मैं कम से कम दिन में 3-4 कैप्सूल्स खाता हूँ इसके, और मेरे लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है। आई होप आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। आज के लिए टिप में इतना ही, अभी मैं आपको अपना वर्कआउट और फिर पोजिंग दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, आज मेरा पुश वर्कआउट है जिसके लिए मैंने स्टार्ट किया चेस्ट प्रेस से। हर सेट में 8-10 रैप मारे गए। चेस्ट प्रेस के बाद अब बारी मिलिट्री प्रेस की या फिर शोल्डर प्रेस की, जिसमें मैंने 4 ही सेट लिए, 20 किलो पे 2 सेट और 40 किलो पे 2 सेट। हर सेट में 8-10 रैप मारे। अब बारी ट्राइसेप एक्सटेंशंस की, इसमें भी मैंने लिए 5 सेट, लाइट पे 2 सेट, मीडियम पे 2 सेट और हेवीएस्ट पे 1 सेट। और लास्ट एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन, इसके भी 5 सेट मारे गए, लाइटेस्ट वेट पे 2 सेट, मीडियम वेट पे 2 सेट और हेवीएस्ट वेट पे 1 सेट। अब बारी पोजिंग सेशन की। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ मैं आपको कल के वीडियो में। बाय बाय।